प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आज से एक साल पहले 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके के पास सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ मौजूद अन्य 12 लोग शहीद हो गए। आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जो हादसे के वक्त उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, वह भी इस हादसे में शहीद हो गए। उनके शहीद होने की सूचना जैसे ही उनके घर वालों को मिली, सभी घर वाले पूरी तरह से टूट गए। घर में मौजूद उनकी पत्नी, पिता, उनकी माँ, बच्चे कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ है। शहीद पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा स्थित उनके आवास पर अंत्येष्टि के लिए लाया गया। घर से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में आगरा के लोग और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने उस समय परिवार को सांत्वना दी और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आज पृथ्वी सिंह चौहान की शहादत को एक साल बीत चुका है। आज के ही दिन वे शहीद हुए थे। बेटे को याद करते करते उनकी माँ अचानक से रो पड़ती है। घर में भी शाम को भी रात को भी मैं यही कुर्सी में यही बैठती थी। ये सोफा इस तरीके से बिछा हुआ था तो मैं यही बैठती थी। आता हुआ देखता था मैं एकदम उछल जाती थी। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया। हंसता हुआ टैची लेकर के केक लेकर के चढ़ता हुआ मुस्कराता हुआ चला आता था। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं क्यों बताने लगा, इसीलिए तो मैंने नहीं बताया। पृथ्वी सिंह चौहान की माँ कहती है कि जब भी दरवाजे पर कोई आहट होती है तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा आ गया, लेकिन अगले ही पल याद आता है कि उनका बेटा अब उनसे बहुत दूर चला गया है, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। तो अब तक उनके नाम से क्या क्या मिल चुका है या क्या बन चुका है? जैसे रास्ते के लिए बोला था, ये मार्ग उनके नाम से बन गया है, पृथ्वी जी के नाम से। और मोहल्ले का ये नाम चेंज हुआ है। किसका? मोहल्ले का। अच्छा, मोहल्ले का गेट ही लगा, अभी कुछ हुआ नहीं। पहले इसको क्या बोलते थे मोहल्ले को? सदर नगर बोला जाता था। अब इनका नाम पृथ्वी सिंह नगर बोलना है। पृथ्वी सिंह नगर हो गया है। अच्छा। और क्या क्या बोला गया था इनके लिए केंद्र सरकार वगैरह से? यह है कि हमारे गेट जो है सही गेट बनने का, सही स्मारक। हाँ, सही स्मारक गेट कहाँ बनने का कहा था? ये यहाँ पर भगवान जाएंगे थाने के पास। अच्छा, मूर्ति भी चाहिए उनकी हमें वहाँ पर। मूर्ति भी कही थी, मूर्ति भी चाहिए हमें। अच्छा, और एक आपके जो है चौराहे का नाम भी मतलब बेटे के नाम पे रखने का था। अच्छा, चौराहे का। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अपना दर्द बयां करते हुए वह कहती हैं कि जिस दिन मेरा बेटा शहीद हुआ था, उस दिन बहुत से लोग यहाँ आए थे। क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने शमशान घाट पर अंत्येष्टि के दौरान वादा किया था कि उनके बेटे के नाम पर इस स्थल का नाम रखा जाएगा। भगवान टाकी चौराहे को भी उनके बेटे के नाम पर किया जाएगा और यहाँ एक स्मारक द्वार भी बनाया जाएगा। पृथ्वी की माँ का कहना है कि अभी तक विधायक द्वारा कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। साल भर बीत चुका है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अंत्येष्टि के बाद से यहाँ बात करने भी नहीं आया। आगरा के जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने उनके बेटे की शहादत को भुला दिया है। उनकी माँ ये कहते कहते रो पड़ती है। अधिकारियों ने बोला था, इन्हें बोला था ना विधायक खंडेलवाल। अच्छा, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने उसी टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जिस दिन वो शहीद हुए, उनकी यहाँ पर जो शहादत दिवस था, उसके बाद उस दिन बहुत सारे नेता आए थे, मुख्यमंत्री भी एक दो दिन बाद आए थे, तो उसके बाद से कोई नेता आपसे बात करने की क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है?
और ऐसा कोई कोई राजनीतिक नहीं आया आपके पास अभी तक? कोई नहीं आया, बस तो सगा जो अपने जो जैसा बोल गए वो जवानी बोल गए, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, कल उनकी पुण्यतिथि दिवस है, तो क्या आज कोई फोन वोन कॉल आई हो किसी अधिकारी की, किसी नेता की? कोई फोन नहीं, मतलब कोई भी एक तरफ से, मतलब मान लीजिए कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है किसी की तरफ से, ना राजनीति तरफ से और ना ही प्रशासनिक की तरफ से? कोई नहीं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।